हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। एनसी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, आप अभी तक कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ चुके हो, उसमें आपने ये देखा था कि इफ स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, इफ एल्स कैसे बनाते हैं और इफ एल्स इफ कैसे बनाते हैं। इफ एल्स इफ में आप क्या करते थे, एक कंडीशन बनाते थे, उसके बाद आपको मोर देन वन कंडीशन लिखना होता था तो आप एल्स इफ यूज करते थे और फिर फाइनली लास्ट में एल्स लगा देते थे। तो वो चीजें आपको बार बार ना करना पड़े, आपको बार बार एल्स इफ ना लिखना पड़े, तो उसके लिए आप स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। स्विच स्टेटमेंट यूज करने से और क्या फायदा होता है, इसकी कोड रीडेबिलिटी अच्छी होती है, कोड इसमें दिखने में अच्छे लगते हैं, इसके सिंटेक्स काफी इजी होते हैं। अगला एडवांटेज यह है कि इसको यूज करने से कंपाइलर जो होता है इसको जल्दी एग्जीक्यूट कर लेता है एज कम्पेयर टू इफ एल्स इफ। लेकिन जहां पे आपको रेंज वगैरह देना होता है, जहां पे आपको ट्रू फॉल्स चेक करवाना होता है, तो वहां पे आप इफ एल्स ही यूज करोगे। तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप हमेशा स्विच स्टेटमेंट ही यूज करते हो। तो स्विच स्टेटमेंट को जानने के लिए हम बेसिकली इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले स्विच स्टेटमेंट लिखना होता है, उसके बाद आपको एक एक्सप्रेशन देना होता है। स्विच क्या है, एक कीवर्ड है, और आपको मैंने बताया था कि कीवर्ड क्या होता है, ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, और एक्सप्रेशंस आपको पैरेंथेसिस ब्रैकेट में देना होता है। आप बेसिकली एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स ही पास करते हो। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट देना होता है, और कर्ली ब्रैकेट में ही आपको सारा काम करना होता है। तो उसके लिए आप केस कीवर्ड यूज करते हो, केस बेसिकली कंडीशन चेक करेगा, वहां पे आपको इफ कंडीशन चेक करता था, एल्स इफ कंडीशन चेक करता था, यहाँ पे जो केस कीवर्ड है ये आपका कंडीशन चेक करेगा। तो केस कीवर्ड आपने दिया, उसके बाद आप एक्सप्रेशन लिखते हो, इस एक्सप्रेशन के बेस पे जो कंपाइलर होता है आपके वेरिएबल की वैल्यू से इसकी वैल्यू को मैच करवाता है। यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये प्रोग्राम चल जाता है। तो एक्सप्रेशन लिखने के बाद आपको क्या देना होता है, कॉलन देना होता है। कॉलन देने के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने होते हैं, जैसे कि वहां पे आप इफ एल्स में लिखते थे वैसे यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वगैरह देना होता है, और फाइनली ब्रेक से क्लोज करना जरूरी होता है। तो इसका मतलब जो भी आपका एक केस हुआ वो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। सेम यदि आप दूसरा केस देना चाहते हो तो उसके लिए सेम आप केस यूज करते हो, यहाँ पे दूसरा कोई एक्सप्रेशन लिखते हो, फिर आप यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह लिखते हो और यहाँ पे ब्रेक से इसको क्लोज कर देते हो, और फाइनली आपको जब कोई भी कंडीशन नहीं देना होता है तो डिफॉल्ट वैल्यू में आपको कॉलन देके यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना होता है और इसको भी ब्रेक से क्लोज कर देना होता है। और इफ एल्स में हम यहाँ पे क्या करते थे, लास्ट में कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता था तो हम एल्स लगा देते थे। तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में आप क्या करते हो, डिफॉल्ट लगाते हो। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे हमें और क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमने अभी तक काम किया है ये हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यूजर से ही वैल्यू एंटर करवा लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर को एक मैसेज देंगे, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर / n, और यहाँ पे स्कैन एफ में % d कॉमा एड्रेस ऑफ ए, और यहां से आपको स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करना है। तो पहले स्विच कीवर्ड लिखा, उसके बाद ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट में बेसिकली मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन एज ए वेरिएबल ही कंसीडर होता है, तो यहाँ पे ए वेरिएबल पास किया, जो भी यूजर यहाँ पे वैल्यू एंटर करेगा उसके बेस से हम कंडीशन चेक करवाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देने के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ से हम केस स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। एक्सप्रेशन में क्या दिया, यदि यूजर एंटर 5 करता है तो यहाँ पे केस 5, तो ये चेक कर लेगा केस 5, तो प्रिंट अप क्या करा दो, एंटर्ड वैल्यू इज 5, यहाँ पे इसको सेमी कॉलन दे दिया, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे एक कंडीशन खत्म होता है। दूसरा स्टार्ट करते हैं सेम केस के साथ, तो यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ पे हम दे देते हैं कि यदि यूजर ने 10 एंटर किया है तो एंटर वैल्यू इज 10 यहाँ पे कर देते हैं, और सेम यहाँ पे इसको टर्मिनेट करवा लेंगे। अगला कंडीशन सेम ले लेते हैं, यहाँ पे हम चेक करवा लेते हैं कि यदि यूजर ने 15 एंटर किया है तो एंटर वैल्यू इज 15, और एक और कंडीशन ले लेते हैं 20 के लिए, यहाँ पे कर देंगे एंटर वैल्यू इज 20, और जब हमारा कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो यहाँ पे डिफॉल्ट कीवर्ड के साथ प्रिंट एफ करवा देंगे इनवैलिड इनपुट, यहाँ पे ब्रेक कर दिया।
तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, केस के साथ हमने एक्सप्रेशन लिया, स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट किया, ब्रेक की वर्ड दिया और इसी को हमने रिपीट करना स्टार्ट कर दिया और लास्ट में हमने डिफॉल्ट वैल्यू लिया, इसको सेम हमने एक प्रिंट के साथ खत्म किया और लास्ट में ब्रेक लगा दिया। अब इसको हम सेव करते हैं और कंपाइल एंड रन करते हैं। देखिए यहाँ पे एंटर नंबर पूछ रहा है, तो हमने डाला 10, तो देखिए ये बोल दिया एंटर वैल्यू इज 10 क्योंकि हमने स्टेटमेंट में ये लिख रखा है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं, यहाँ पे एंटर किया 20, तो देखिए एंटर वैल्यू इज 20 और यहाँ पे डिफॉल्ट के लिए भी चेक करवा लेते हैं, तो इसके लिए कंपाइल एंड रन किया और यहाँ पे हम क्या करते हैं 25 कर देते हैं, तो देखिए इनवैलिड इनपुट क्योंकि 25 के लिए हमने किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं बना रखा है, तो इसलिए इनवैलिड इनपुट दे दिया। तो इस तरह से आप स्विच स्टेटमेंट यूज करते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।